Good morning, children. Nice to see you all to participate of this live lecture. Open your book. We are reading The Sound of Music, Part 2. Let's see the information of this lecture first. May 21st, 9th, English book Beehive, lesson number 2. We are reading. And the next one. This is part 2 we are doing, children. This is lecture 2 also. Lecture 1 we have already done. In lecture 1, we have completed first 6 paras. Directly, let's go to 7th. If you have any queries related to the last, we can have discussion also at the end when we just discuss. This we have done. This also all we have done, students. And we are going to the next, clearly to the 7th point basically. Right, every one of you, I suppose that you have understood, even though if you don't have the books, we are providing you this point of reading so that with the help of this, you can read. Let's go to the 7th para, basically, students. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his shehnai. Bacho, जब हमारे देश को इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को, ओनली बिस्मिल्ला खान वॉज देयर, जिसने पूरे हिंदुस्तान को ग्रीट किया था, वेलकम किया था अपनी शहनाई के साथ. उस समय पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी. ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर ही सारे का सारा प्रोग्राम सुना जा रहा था. ऑल द इंडियंस वर लिसनिंग. टीवी नहीं थे उस समय पर. All India Radio से वो सारे सुन रहे थे. So Bismillah Khan was the first Indian to greet the nation, जिसने जो है पूरे हिंदुस्तान को, नेशन को ग्रीट किया था, वेलकम किया था अपनी शहनाई के साथ. He poured his heart into राग काफी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Christ with destiny speech. Children, जब उसने अपनी शहनाई को बजाया वहां पर first time जो है उसने ये सब किया, this was the first person to greet the nation. So राग काफी जो था वो उसने वहां से बजाया था, play किया था. And all the audience include complete India, all India radio से सबने सुना था, जिनमें उस time के जो हमारे PM थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, who later gave his famous, और जिन्होंने इसके बाद अपनी सबसे फेमस Christ with destiny speech, जब उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, this was a bit secret. Christ means होता है स्टूडेंट्स सीक्रेट. उन्होंने जो स्पीच दी थी that was a bit secret. People were not that much familiar about such type of things. So लोग जो है सभी जो है उसको देख रहे थे, सुन रहे थे. एंटायर इंडिया, थ्रू आउट इंडिया, एवरीवन वाज लिसनिंग. सॉरी स्टूडेंट्स, लिटिल प्रॉब्लम. बिस्मिल्ला खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्ला खान ने जो है बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दी है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, अपने देश में भी और अपने देश के बाहर भी. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Now you see children, his first trip, उसका जो पहला trip था उनका, बिस्मिल्ला खान जी का, वो अफगानिस्तान गए थे, वेयर किंग जाहिर, जहां पर जो राजा थे किंग जाहिर जो थे,
was so taken in by, attracted by, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हुए विद द मास्टरी ऑफ मींस उस स्किल्स के द्वारा दैट इतने ज्यादा प्रभावित हुए बिस्मिल्लाह खान की स्किल को लेकर के बाय द प्लेइंग ऑफ दिस शहनाई ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स प्राइसलेस बहुमूल्य जो है कारपेट उन्होंने जो है उसको गिफ्ट किया एंड अदर सोवनियर्स सोवनियर थिंग्स मींस थिंग्स गिवन इन अ मेमोरी ऑफ अ प्राइस प्लेस पर्सन और इवेंट्स कुछ ऐसी चीजें उसको उपहार समेत दी जो कि उसको याद रहेंगी जिंदगी भर द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक केवल अफगानिस्तान के ही राजा जो है बिस्मिल्लाह खान से ज्यादा इतने ज्यादा मतलब वो कहता है फैसिनेटेड मोहित नहीं थे अट्रैक्टेड नहीं थे इसके अलावा और भी बहुत थे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड फिल्म के जो डायरेक्टर थे विजय भट्ट वो भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे बिस्मिल्लाह खान से आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल उन्होंने बिस्मिल्लाह को जो है एक फेस्टिवल में शहनाई को प्ले करते हुए देखा एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर दैट द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई जब उन्होंने बिस्मिल्लाह को एक फंक्शन में सुनते हुए देखा प्ले करते हुए देखा तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इसी के नाम पर एक मूवी बना रहे हैं गूंज उठी शहनाई यू मस्ट हैव हर्ड चिल्ड्रन अबाउट दिस मूवी इस मूवी के बारे में सुना होगा डायरेक्टेड बाय विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई उसके बारे में ये जो है जो मूवी जब ये बनाई ये उसी बेसिस पर जो है बनाई गई थी उसी पर इसको लिया गया था गूंज उठी शहनाई द फिल्म वॉज अ हिट और उस समय में जो है ये फिल्म बहुत ही ज्यादा हिट हुई थी एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन और एक बिस्मिल्लाह खान की कॉम्पोजिशन मीन्स जिसको कंप्लीटली इन्होंने ही फ्रेम किया था ही फ्रेम्ड दिस कंप्लीटली दैट वॉज दिल का खिलौना है टूट जाएगा This was composed by Bismillah Khan, turned out to be a nationwide chartbuster. Chartbuster means students, you can see at the side, means जिसने के records तोड़ दिए थे पूरे के पूरे उस समय के जो song उस समय पर आया था दिल का खिलौना है टूट जाएगा Chartbuster. Despite his huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two despite this iske bawajood itni jyada success milne ke baad huge success milne ke baad celluloid world means old fashioned way of referring to films purane samay mein jo hai old way hota hai isko films ko refer karne ka so unhone keval do hi movies ki thi us samay jo hai aur wahin par unka jo hai music limited hogi और उन्होंने ये सब किया विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर दो ही उन्होंने मूवीज की थी ये दोनों की दोनों हमने देख लिया है नाम सुन के गूंज उठी शहनाई और सनाधी अपन्ना दिस वाज द सेकंड मूवी व्हिच वाज डन बाय बिस्मिल्लाह खान आई जस्ट कैंट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड He says with emphasis, बड़ा जोर देते हुए कहते हैं बिस्मिल्लाह खान के जो आर्टिफिशियल वर्क है आर्टिफिशियलिटी मीन्स जो ये बनावटी काम है जो आर्टिफिशियल वर्क है ऑफ दिस वर्ल्ड आई एम अवे फ्रॉम दिस नाउ व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट कि ये जो क्लैमर है जो ये दिखावा है he says this with emphasis, बड़ा जोर देते हुए अपनी बातों के ऊपर कहते हैं कि भाई he doesn't go with this. Now, awards and recognitions came thick and fast. बड़े भारी भारी thick means वो कहता है बड़े बड़े जो है awards बड़ी तेजी से जो है बिस्मिल्लाह खान को मिलने लगे. बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. Now you see children, बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे
जिनको इनवाइट किया गया था अमेरिका के अंदर प्रेस्टिजियस प्रसिद्ध लिंकन सेंटर हॉल के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में परफॉर्मेंस देने के लिए टू परफॉर्म हिज शहनाई बेसिकली अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए ये फर्स्ट इंडियन थे अभी तक के उस समय तक जब इनको इनवाइट किया गया He also took part in the World Exposition in Montreal in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. Now, exposition means hota hai ji, a public show. Or you can talk about this this is called exhibition. Jisko hum exhibition bhi bol sakte hain aur a public show bhi bol sakte hain. Inhone is tarah ke world level ke public show mein bhi participate kiya hai, bhag liya hai. जो कि मॉन्ट्रियल इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल मॉन्ट्रियल इज द नेम ऑफ द प्लेस और ये आर्ट फेस्टिवल जहां पर जो है उन्होंने पार्ट किया था सो चिल्ड्रन नाउ यू सी व्हाट हैपेंस सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली इतने वेल नोन इतने फेमस हो जाते हैं इंटरनेशनली People started inviting him that an auditorium in Tehran. Tehran is the name of the country. जिसमें जो एक auditorium बनाया गया जिसका जो नाम था was named after him. बिस्मिल्ला खान के नाम पर उनका नाम रखा गया ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्ला खान This was the name of that auditorium children. यानी कि he became such a famous. इतने famous हो चुके थे उस समय तक वो नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री उनको पद्मश्री जो नेशनल हमारे कंट्री का अवार्ड है द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम कन्फर्ड मींस गिवन अवार्ड गिवन यूजुअली एन अवार्ड और अ डिग्री एक तरह का अवार्ड जो है उनको ये सारे के सारे मिले इन 2001 चिल्ड्रन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न 2001 में जो है बिस्मिल्ला खान को जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो कि रत्न जिसको हम बोलते हैं भारत रत्न 2001 में दिया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट विद अ कवेटेड अवार्ड कवेटेड मींस व्हिच इज डिजायर्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडियन हु आर वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स जो कि अपनी अपनी फील्ड्स में डिफरेंटली वर्कआउट कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं दिस इज डिजायर्ड बाय मैक्सिमम पीपल रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रियर हैप्पीनेस ही सेड वो इतने ज्यादा खुश भी नहीं थे इतने ज्यादा मतलब दिखावा भी नहीं कर रहे थे हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रियर हैप्पीनेस वो कहते हैं वो ही सेड उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से इज कि भी मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं दिस वाज सेड बाय बिस्मिल्ला खान बिस्मिल्ला खान जी ने कहा कि भी मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं व्हाट आई वांट टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक अपने बच्चों को जो है आप म्यूजिक सिखाइए दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की हमारी कंट्री की सबसे रिचेस्ट सबसे ज्यादा अमीरी जो कहता है हमारी ट्रेडिशन हमारी परंपरा इसी में है We had this basically. Even the West is now coming to learn our music. And this one was said by Bismillah Khan, ke West ke people, European country people are also coming to learn our heritage, our tradition. Hamare tradition ko seekhne, samajhne ke liye wo jo hai, hamari country mein aa rahe hain. So this was said by Bismillah Khan that the one should be provided the opportunities or like guided or motivated to learn the music because of being tradition. Richest tradition of our country, children. Now see the next. In spite of having travelled all over the world, अब बिस्मिल्ला खान जो है सारे वर्ल्ड में ट्रेवल कर चुके थे इसके बावजूद वो कहते हैं पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करने के बावजूद खान साहब as he is fondly called, जिनको जो है प्यार से लोग जो है खान साहब बुलाते हैं fondly, खान साहब is exceedingly fond of Banaras. Exceedingly को underline करेंगे children. Exceedingly means huge, अत्यंत, बहुत ज़्यादा जिसको हम लोग बोलते हैं exceedingly fond of Banaras, जो कि बहुत ही ज़्यादा अत्यंत
लाइक करते थे बनारस एंड दुमराव, और दुमराव उस जगह को जहां पर वो पैदा हुए थे, वेयर ही वॉज बोर्न, दुमराव द प्लेस, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये प्लेस जो है पूरे वर्ल्ड के सबसे वंडरफुल प्लेसेस जो है उसके लिए थे ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। इन्हीं का एक स्टूडेंट चाहता था कि वे ये एक शहनाई स्कूल खोले यूएसए में। वो चाहते थे कि भी बिस्मिल्ला खान जी जो है यूएस आए और अपना एक स्कूल ओपन करें। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, और उसने प्रॉमिस किया कि वो यूएस में बनारस का एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे बाय रेप्लिकेटिंग द टेंपल्स देयर, वहां पर बड़े बड़े टेंपल्स बना करके मैनेज कर करके कि भाई हम बनारस जैसा एटमॉस्फेयर बना देंगे यहाँ पर। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब जो है उसे कहते हैं कि भाई काश, या फिर क्या वो गंगा रिवर को जो है वहां पर लेकर के आ सकते हैं एज वेल, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो बनारस जैसा माहौल वहां पर बना देंगे, क्रिएट कर देंगे। सो इस बात पर बिस्मिल्ला खान जी ने कहा कि तुम क्या गंगा रिवर को भी वहां पर ला सकते हो, वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। Later, he is remembered to have said, "That is why, whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan." और बाद में वो इन बातों को याद करते हैं और कहते हैं, "That is why कि यही एक reason है, whenever I am in a foreign country के जब भी मैं दूसरी country गया हूँ, foreign country में हूँ, foreign में हूँ, I keep yearning. Yearning means underline कर लो children, yearning word, and yearning means चाह, इच्छा, डिजायर, विश, तड़प जिसको आप बोल सकते हो, तड़प। आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, अपने हिंदुस्तान में रहने के लिए, देखने के लिए बड़ी तड़प सी आ जाती है रहते हुए वहां पर फॉरेन में। व्हाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, और जब वो इंडिया में होता है, व्हेन ही इज इन इंडिया हिंदुस्तान, और मैक्सिमम ही वॉज इन मुंबई, सो कहते हैं जब मैं मुंबई में होता हूँ आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं केवल बनारस के बारे में ही सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और उस पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, होली गंगा के बारे में। एंड व्हाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ दुमराव, और बिस्मिल्ला खान जी बताते हैं कि अगर मैं बनारस में हूँ तो मुझे वो यूनिक मट्ठा जो कि दुमराव के अंदर बनता था, मैं उसे देखता हूँ, उसे याद करता हूँ, मिस करता हूँ, राइट right? वो जो है उस मट्ठे को जो है मिस करते हैं, उसे यर्न करते हैं, मीन्स उसे याद करते हैं दुमराव के अंदर। नाउ यू सी चिल्ड्रन व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ, सम इंफॉर्मेशन इज गिवन अप देयर, दिस इज शेखर गुप्ता, ये लिखा हुआ है, लेट्स रीड दिस। When partition happened, जब हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ था, didn't you know and your family think of moving to Pakistan? उन्होंने पूछा है कि भाई जब पार्टीशन हुआ तो आप लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा कि भाई आप लोग जो है पाकिस्तान चले जाते, you were the Muslims, you could have gone to Pakistan, तो तुम नहीं गए। बिस्मिल्ला खान ने कहा, God forbid, underline this word students, God forbid. God forbid means भगवान न करे मेरे साथ लीव बनारस के मुझे बनारस को छोड़ना पड़े, never, कभी नहीं। I went to Pakistan once. अब बिस्मिल्ला खान जी जो है कहते हैं कि भाई मैं एक बार जो है ना पाकिस्तान गया था, once I went to Pakistan, I crossed the border just to say I have been to Pakistan. ये सिर्फ वो कहता है कि मैंने बॉर्डर क्रॉस किया सिर्फ ये कहने के लिए कि भाई मैं एक बार पाकिस्तान जरूर गया हूँ अपनी जिंदगी में। सिर्फ उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, वहां पर पांव रखा उसके पाकिस्तान कंट्री के अंदर। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहां पर सिर्फ एक घंटे के लिए था। आई सैट नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम,
मैंने उनको नमस्कार किया, सलाम अलैकुम बोला टू द इंडियंस एंड आई हैड अ गुड लाफ, और इस बात पर हम बहुत हंसे। रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 का ये आर्टिकल में लिखा हुआ था। दिस वाज रिटन इन द आर्टिकल चिल्ड्रन कि भाई ये बात उन्होंने बताई कि एक बार हम पाकिस्तान सिर्फ ये कहने के लिए गए थे कि भाई मैं पाकिस्तान भी गया हूं। दिस वाज सेड। नाउ सी द नेक्स्ट। उस्ताद बिस्मिल्ला खान्स लाइफ, उस्ताद बिस्मिल्ला खान की जो जिंदगी थी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये हमारे हिंदुस्तान की बहुत ही रिच और कल्चरल मीन्स सभ्यता और संस्कृति की हेरिटेज है, हमारी संपत्ति है हमारी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, एफर्टलेसली मीन्स लाइक विदाउट एनी हर्डल्स और ट्रबल, राइट, बिल्कुल आसानी से। देयर अ डिवोट मुस्लिम, डिवोट मीन्स बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ऑबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिस। डिवोट मीन्स वो इंसान जो हर रूल रेगुलेशन को, चाहे वो रिलीजियस है चाहे वो लाइक सोशल है, फॉलोज द थिंग्स प्रॉपरली। Muslim like him can very naturally play the shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Is tarah ka insaan, being a Muslim, he was playing shehnai at Kashi Vishwanath temple, jo ki hinduon ka temple hai. Religion is totally different. Means kaisa person tha wo, kaisa insaan tha, he was such a wonderful person that being Muslim, he was playing Shehnai at Kashi Vishwanath temple, जो काशी विश्वनाथ के टेम्पल में जो है शहनाई बजाते हैं। So children, let's see this small information about Bismillah Khan. Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006. 2006 में जो है Bismillah Khan जी का देहांत हो जाता है at the age of 90 after a prolonged illness. एक काफी बीमारी होने की वजह से, एक लंबी बीमारी चली उनको, जिसकी वजह से 90 क्रॉस करने के बाद उनका जो है देहांत हुआ। He was given a state funeral. उनको जो बड़ा सम्मान दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन डे ऑफ नेशन मॉर्निंग, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का पूरे हिंदुस्तान में शोक जताया था, शॉक डे बनाया था। मॉर्निंग मीन्स होता है शॉक जताना उस दिन। सो डियर चिल्ड्रन, वी आर फिनिश्ड विद द चैप्टर व्हिच वी हैव डन इट राइट नाउ। आई हैव सीन दिस, यू ऑल हैव द ऑप्शन। वन थिंग आई वांट टू टेल यू चिल्ड्रन, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन योर सेल फोन, यू कैन जूम द स्क्रीन to view the words or sentences properly. This will help you understand the things in a proper way. So this was the end of the lecture, students. Question answers will discuss and the things related to the text you'll get by PDF. Thank you very much, children.